लड़की पर हमने जय हिंद में बहुत सारे जोक्स मारे थे, आज वही लड़की हमारे साथ, यस, पूनम पांडे। देखते हैं आज किसके कपड़े होते हैं। हाँ जी पूनम, वेलकम टू जय हिंद। हो हमारे स्टूडियो में जो है वो फूल खिले गुलशन गुलशन हो गया है जब से पीपी आई है, पूनम पांडे का शॉर्ट फॉर्म क्या है। हाँ सो पूनम, हाउ डज इट फील टू हैव जनरेटेड सो मच ऑफ क्रेज विद जस्ट वन स्टेटमेंट? एक स्टेटमेंट क्या आपने दे दिया जो है वो पूरा देश जो है बौखला गया, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। आई मीन उस स्टेटमेंट के बाद तो जैसे पूरी दुनिया ही बदल गई है मेरी। बिल्कुल, लेकिन आपको लगता है कि एक नॉर्मल सी बात आपने कह दी और हमारा देश जो है वो टूट पड़ा उस पर, आर वी अ सेक्स स्टार्व्ड नेशन? वेल यस, इनफैक्ट हमारा नेशन ही यार, आई मीन पूरी दुनिया है ना। ऑफ कोर्स, आई मीन देखो दो वर्ड्स जो है ना जो कि बहुत फेमस है, एक है फ्री जिसके पहले जैसे वो वर्ड आते तो सभी की नजर उस पे आती है, और एक है सेक्स, वो वर्ड कहीं पे भी देखो तो उसमें नजर जाती है, तो ऑफ कोर्स इट्स वेरी फेमस। लेकिन आज तक मैंने कभी फ्री सेक्स नहीं देखा। ये दोनों अलग वर्ड है। अच्छा अच्छा, ओ अलग अलग, एक मत करो। अच्छा, आपकी जो इमेज है वो मतलब पब्लिक में जो इमेज है उसके पीछे मतलब कितने लोग इन द सेंस, सुना है कि सुना है कि 4-5 लोग हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं, लाइक कौन कौन है आपके इस पूरे बैंड में? तो तुम मेरा राज जानना चाहते हो? मैं 4-5 नहीं है, काफी लोग हैं। उनसे मुझे पूछना पड़ेगा, मैं यहाँ पे नाम ले सकती कि नहीं? बिल्कुल ले लो, उनको भी पब्लिसिटी मिल जाएगी। अच्छा, आप की फिल्म आ रही है तो सनी लियोनी को आप टक्कर दे रही हैं? अरे यार, मैं क्यों किसी को यार, मैं कम ऑन, मैं यू नो आई एम, मैं बहुत तंग आ गई पता है ये बिल्कुल, एक बिल्कुल। सवाल से swear, लोग आ जाते हैं, देन दे आस्क सनी लियोनी को टक्कर दे रहे हो तो उसको टक्कर दे तुम उसको, अरे यार मैं अपनी लाइफ जी रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। तो आपके आदर्श कौन है, आपको क्या लगता है कि ये एक्ट्रेस अच्छी है, भाई यहाँ की हो वहाँ की हो कहीं की भी? वेल एक नहीं है, आई मीन बहुत सारी है, जैसे कि आई वुड से यार ये बड़ा बोरिंग सा क्वेश्चन। अच्छा एक बात बताओ, कौन सी एक्ट्रेस आपको चिढ़ है? चिढ़ है? हाँ, ऐसा लगता है कि यार ये कुछ डिजर्व नहीं करती यार। तुम चाहते हो मैं यार कंट्रोवर्सी करके जाऊं? भैया यहाँ पर पूनम हो वहाँ पर कंट्रोवर्सी ना हो, ऐसे थोड़ी होता है। कम ऑन, ऐसा कुछ बोल दो कि कतरीना अच्छी नहीं लगती या करीना यार बहुत अच्छी, बड़ी अच्छी। नहीं, ये डिप्लोमेटिक आंसर हम लोग नहीं एक्सपेक्ट कर रहे पूनम। नहीं अभी तो करना पड़ेगा क्योंकि मैं झूठ नहीं बोल सकती ना, मुझे अब लोग पसंद है यार। I mean, come on. कि she is the worst actress. एक्ट्रेस को वर्स्ट बोल ही नहीं सकते ना, बॉलीवुड में है तो कैसे वर्स्ट बोल सकते हैं? अरे क्यों, हम लोग बैठे यहाँ पर, हम लोग सबको वर्स्ट बोलते रहे। मैं नहीं बोलती। अच्छा आप क्रिकेट फॉलो करती हैं? मतलब मेरे पूरे राज यहाँ पे मतलब खुलने वाले। मैं पूछ रहा हूँ, मैं क्रिकेट मतलब अभी एज ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग मैं भी काम करती हूँ, और हर दिन तो मतलब ऐसा नहीं कि मैं टीवी के सामने बैठ के खेलूं, मतलब मुझे क्रिकेट पसंद है। काफी सारी लड़कियाँ, आज आप अगर आईपीएल देखो तो काफी सारी यंग प्रिटी गर्ल्स यू नो दे टॉकिंग अबाउट क्रिकेट ऑन फील्ड, तो यू नो व्हाट इज अ फाइन लेग? फाइन लेग My leg. I didn't ask you about 2 fine legs. I just asked you about 1 fine leg. Wasn't it? It's a good answer, no? Fantastic. It's a fine leg, no? Fantastic. It's the most. It's the finest leg, I guess. Yeah. Okay, then what about short leg? Short leg. तो मेरे नहीं, मेरे बड़े long legs. Short leg. Okay. So what was the first thought that crossed your mind when India won the World Cup? Was it like, yeah, mummy, main kuch bol gayi thi pehle mummy, oh papa, अरे अब मत इतनी अपनी मन धड़क कहानियां मत बनाइए, मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा ना मैंने ऐसा कुछ बोला। अगर मैं मुझे अगर ये
करना होता तो मैं ऐसा स्टेटमेंट ही नहीं देती कि मुझे अपने कपड़े राइट तो फिर वेल मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी अपने कपड़े उतारने के लिए लेकिन मौका नहीं मिला. क्यों मौका नहीं मिला? ऐसे क्यों टाइट कपड़े पहने हुए? टाइट कपड़ों की प्रॉब्लम नहीं है. मैं इनफैक्ट मैं कपड़े उतारने में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हूँ. टाइट कपड़े लूज सूट ऐसे नहीं है. ओके ओके. सेंस ये था कि मुझे मैंने लाइक आई आस्क्ड फॉर द परमिशन जो चीज मुझे नहीं मिली बट आई होप कभी इन फ्यूचर मुझे मिले. तो आपका कहना ये है कि इस देश में जो है वो आपको बांध के रखा है. एक्चुअली यार मुझे कोई अपनी भावना भी प्रकट नहीं होने देते. दैट्स सो. तो लेकिन आप फिर देश के बाहर जाकर क्यों नहीं? देश के बाहर जाके क्यों करूं मैं ये कर रही अपने देश के लिए. ये एक बहुत बड़ी बात कही है पूनम पांडे जी ने यहाँ पर. जिन लोगों ने स्वतंत्रता पाने के लिए इंडिपेंडेंस देने के लिए जिन लोगों ने अपनी जान दी थी उन्हीं के लेवल पर जाकर बैठी है पूनम पांडे हमारी जो कह रही है इस देश के लिए वो ये करना चाहती है. अच्छा तो क्या आप की क्या राय है इसके ऊपर? आप क्या करेंगी एज इन व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स? माय फ्यूचर प्लान्स बहुत जल्द मुझे सभी लोग एक्टिंग करते देखेंगे. कपड़े उतार के नहीं देखेंगे, एक्टिंग करते देखेंगे. बट हमें ऐसा लगता है कि आपने इस एक्टिंग की शुरुआत एक साल पहले की थी. आई एम अ वेरी गुड एक्ट्रेस है ना, तभी बोल दिया था ना आपने. आप में और हमारे पॉलिटिशियन में कोई फर्क नहीं है. ये भी झूठे वादे करती है. हम नफरत करते हैं पूनम पांडे से. नहीं आप टेंशन नहीं लो, मैं आप नफरत नहीं करूं, मैं आपके लिए भी कुछ ट्विटर पे कर लूंगी. ओके फाइन ग्रेट दैट्स गुड डील आई थिंक. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली. अच्छा तू मराठी पण बोलतेस? खूप चांगले खूप चांगले. ये देखिए ये है कि जो हमारे नॉर्थ इंडियंस हैं वो भी देखिए कितना अच्छा मराठी बोलते हैं, है ना. तो फिर मुंबई में आप पैदा हुई हैं, मुंबई में पली बड़ी, कहाँ पे आपने पढ़ाई की? मैं बॉर्न हुई थी मुलुंड में. मेरी फैमिली वहीं पे रहती है अभी भी. मुलुंड ईस्ट वेस्ट? ओके या एंड माय फैमिली स्टिल देयर. ओके व्हाट आर योर हॉबीज? माय हॉबीज आर बहुत सारी हॉबीज हैं. बताइए. यार मैं ये बिल्कुल बोर नहीं करने वाली, ये बताया कि मुझे गाना सुनना पसंद है, मुझे नाचना. अच्छा आपको गाना गाना आता है? मुझे गाना गाना आता है. तो एक गाना गाइए आप हमारे लिए. Fantastic. 1st अप्रैल को हमने सदमा अवार्ड्स किए थे, जय हिंद सदमा अवार्ड्स, और पूनम पांडे को अवार्ड मिला था. तो मैं अभी वो यहाँ पर आई हैं तो हम चाहते हैं कि हम उन्हें अवार्ड दें जो अवार्ड वो उस वक्त नहीं ले पाई थी. कैटेगरी थी कपड़ा फेंक तमाशा देख अवार्ड. और नॉमिनेशन थे सनी लियोनी, वीणा मलिक, शर्लिन चोपड़ा and our very own Poonam Pandey. And the winner is Poonam Pandey! Thank you. That's so my award. हाँ, बहुत भारी अवार्ड है. अगर आप देखेंगे तो वो जो महिला बैठी है, she's showing the middle finger. हाँ. Well, इस अवार्ड पे यही कहना चाहूंगी कि प्रॉमिस तो पूरी नहीं की, हालांकि जो लेकिन अवार्ड मिलना चाहिए. अवार्ड बहुत जरूरी होता और वो भी जो खरीदा ना गया. लेकिन हम इन्हें जाने नहीं देंगे, मतलब इस तरह छोड़ेंगे नहीं. तेरा पीछा ना छोड़ूंगा सोनी ये. इन्हें हम दोबारा बुलाएंगे हमारे सेट पर जब इनकी फिल्म रिलीज होगी. और इनके फिल्मी करियर के लिए हम सभी लोगों की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं. थैंक्स लॉट पूनम, थैंक्स लॉट वंस अगेन. और जो वादा करते हैं वो हमेशा निभाते हैं. तो ये थी पूनम पांडे दिस ईयर्स
winner of the Sadma Award, Kapda Phenk Tamasha Dekh, for the Nangi Ladki of the Year. And she did it without taking her clothes off. And still beat Sunny Leone, who takes her clothes off every day at the drop of a hat. Yes, that's a real thought to ponder upon. Tum log socho, tab tak main Poonam ko kuch private jokes sunata hoon. Jai.